ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 86 स्थित एकॉर्ड अस्पताल में दुर्घटना के दौरान पैर से आर पार हुए सरिये का सफल ऑपरेशन कर मरीज को नया जीवन दिया गया। मरीज का पैर कटने से बच गया। इस सफल ऑपरेशन को अस्पताल ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर युवराज कुमार, डॉक्टर नमन गोयल, डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर राकेश कुमार ने अंजाम दिया। ऑपरेशन के बाद मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है। अस्पताल के सर्जन डॉक्टर परबल रॉय ने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े ऑपरेशन अब फरीदाबाद में होने से लोगों को दिल्ली जाने से राहत मिली है। ग्रेटर फरीदाबाद निवासी 32 वर्षीय पंकज डीपीएस स्कूल में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। रोजाना की तरह बुधवार सुबह वह घर से अपनी बाइक पर ड्यूटी जा रहे थे, तभी बाइक के आगे सरिया लाद कर ले जा रहे रिक्शा से उनकी बाइक टकरा गई और 3 फुट लंबे सरिये उनके दाएं पैर में आर पार हो गए। तभी आसपास के लोगों ने घायल को तुरंत एकॉर्ड अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया। मरीज की जान बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन की तैयारी की गई। और क्या कहना है डॉक्टरों का, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े ही जटिल जो ऑपरेशन है सफलतापूर्वक किया है, कितना जटिल था क्या जानकारी? जैसा मैंने अभी बताया कि रोड एक्सीडेंट हुआ, जो बंदा है वो नॉर्मल जॉब के लिए जा रहा था, गाड़ी रॉड उसके पैर में, वो बाइक चला रहा था, रॉड उसके पैर में चला गया। सो उसे होता क्या है कि इम्पॉर्टेंट जो वेसल्स होते हैं उनको डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। वैसी स्थिति में अगर सही समय से ट्रीट न किया जाए, प्रॉपर ट्रीट न किया जाए, तो पैर कटने की काफ़ी संभावना होती है। क्या नाम था और क्या एज है जिसमें जो पेशेंट आया था और किस हालात में वो आपके पास आया था? जैसा कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बड़ी ही ऐसी तस्वीरें के सामने हम दिखा भी नहीं सकते और आम लोग आम लोगों के लिए थोड़ा देखना मुश्किल होता है। अब हम लोग डॉक्टर हैं तो इस तरह की चीज हम लोग को मिलते रहते हैं। पंकज है, वो जैसे बताया डीपीएस स्कूल सेक्टर 90 वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, और जब इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारी भी टीम वहाँ पर गई और उन्हें लेके आई, फिर इमरजेंसी से हम लोगों ने उसे अटेंड करना शुरू किया। मैं डॉक्टर नमन गोयल हूँ। पेशेंट बाइक पे ट्रैवल कर रहा था मॉर्निंग 6:30 AM, कल सुबह 6:30 बजे वो बाइक पे अपने काम से स्कूल जा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर जो कि खड़ा हुआ था, सरिये जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं लेंटर के टाइम पे, वो एक्सपोज्ड रॉड्स एक स्टेशनरी ट्रैक्टर पे रोड पे खड़ी हुई थी। क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तो पेशेंट जो बाइक पे ट्रैवल कर रहा था उसने सीधे उसके अंदर क्रैश हो गए। जो रॉड थी वो पेशेंट के थाई और बोन्स, जो रीढ़ की हमारी थाई बोन होती है फीमर बोन, उसको पियर्स करती हुई दूसरी साइड से निकल गई। ऐसी 2 रॉड्स पेशेंट की जांघ के अंदर घुसी और दूसरे साइड से निकल गई। पेशेंट वहीं पे मेजरली इंजर्ड हुआ और वहीं पे क्योंकि रॉड बड़ी सी रॉड थी ट्रैक्टर पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता था, पेशेंट उसी के साथ अटैच हो गया। हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो एक टीम डीपीएस स्कूल में, वो जो है पेशेंट है वहाँ पे सुपरवाइज़र है, डीपीएस की टीम ने वहाँ पे एक स्टाफ को भेजा जिन्होंने उसको वहाँ से फ्री किया। उसके बाद वो पेशेंट हॉस्पिटल एकॉर्ड इमरजेंसी में आए। हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे तैयार थी। हमारी टीम ने रॉड्स को डिसाइज किया, साइज छोटा किया, फिर पेशेंट का इमरजेंसी सीटी एंजियोग्राफी हुआ, जिससे ये पता चला कि वहाँ पे वो रॉड ने किस किस मेजर डैमेज किया है, किस किस भाग को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद पेशेंट को इमिडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, जहाँ पे वैस्कुलर टीम, एनेस्थीसिया टीम और बाकी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम तैयार थी। वी वर एबल टू रिमूव द रॉड्स विदाउट एनी मेजर इंजरी, किसी भी नस को चोट पहुंचाए बिना हम वो दोनों रॉड्स निकाल पाए थे, जिससे कि हम पेशेंट की जान और टांग दोनों बचा पाए। पेशेंट अब स्वस्थ है, उसको भारी शिकंजा लगाया गया है और कुछ ही समय में पेशेंट खुद से चल पाने लायक भी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके पास आएंगे, जैसे आपने 3 बिंदुओं का बताया था, वो 3 बिंदु क्या थी? अगर ऐसे केस आते हैं जिस तरह से ये केस सामने देखने को मिला, क्या कहना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो सोसाइटी के लिए मैसेज है, कभी कोई इस तरह की इंजरी हो तो जो लोग हैं वहाँ पे वो उसको अर्लीस्ट नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाए, है ना। तो मैंने टाइम पे चर्चा की कि टाइम इम्पॉर्टेंट है, गोल्डन आवर्स ऑफ इंजरी इम्पॉर्टेंट है, विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी इम्पॉर्टेंट है। मैं ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमिंग का जो चक्कर है, अगर सही समय पर हम इलाज करते हैं तो जान और पैर दोनों बचाया जा सकता है।